हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बची हुई रोटियों से कटलेट बनाना बता रही हूँ। बची हुई रोटी से कटलेट बनाने के लिए हमने रात की बची हुई रोटी ली है, प्याज काट लिया है बारीक, गाजर ली है, हरा धनिया, हरी मिर्च, एक मीडियम साइज का आलू लिया है, 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स, 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक ले लेंगे स्वाद के। रोटी को जार में तोड़ के डाल लेते हैं और इसे चला लें, ऐसे पीस ले बारीक और इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें पोटैटो डाल दें, मैश करके मिक्स कर दें, ब्रेड क्रम्स, आमचूर पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, प्याज जो हमने काट के रखी थी, गाजर, हरा धनिया, हरी मिर्च। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसके कटलेट बनाएंगे। हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। अब इसकी कटलेट बनाते हैं। कटलेट आप किसी भी शेप के बना सकते हैं। कटलेट बना ले। अब हम इसे मैदा के घोल में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। इससे कटलेट कुरकुरे और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे कर करके रखते जाए। आप अब इसमें अपने पसंद की सब्जियां मिला सकते हैं, गोभी, गाजर, मटर। आप इसे ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं बिना ब्रेड क्रम लगाए। अब हम इन कटलेट को फ्राई कर लेते हैं। ये हमने ब्रेड क्रम्स नहीं लगाया, ये वही वाले कटलेट है। अच्छे से घुमा घुमा के फ्राई कर लेंगे। इसे अच्छे से मीडियम आंच में आप डीप फ्राई कर लें। अब हम ब्रेड क्रम्स लगे वाले कटलेट तल लेते हैं। ये भी अच्छे से लाल हो गए हैं, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। बची हुई रोटियों से कटलेट बहुत ही टेस्टी बना है। आप एक बार घर पे जरूर ट्राई करें। बहुत ही अच्छा बना है, आप भी घर पर जरूर ट्राई करें। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।